नमस्कार। आज हम हिंदी उपन्यास के विकास की चर्चा कर रहे हैं और भारत के आज़ाद होने के बाद जो उपन्यास लिखे गए और उनमें जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। ये उपन्यास का विकास एक अविरल गति से चल रहा है और जैसा कि हमने कहा, देवरानी जेठानी से कहानी, परीक्षा गुरु और भाग्यवती से लेकर आज तक यह उपन्यास लेखन की परंपरा चल रही है। यह उपन्यास लेखन की परंपरा प्रेमचंद के समय में अपने शीर्ष पर पहुंची और उससे को लगातार हमारे उपन्यास लेखकों ने आगे बढ़ाया। आज़ादी से पहले जो लोग उपन्यास लिख रहे थे उनमें बहुत सारे लोग आज़ादी के बाद भी उपन्यास लिखते रहे, जैसे चतुर्सेन शास्त्री आज़ादी से पहले से लिख रहे थे, आज़ादी के बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा वैशाली की नगरवधु। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच जो द्वंद्व है उस द्वंद्व की चर्चा इस उपन्यास में हुई है और एक तरह से यह स्त्री कथा भी है, स्त्री विमर्श की कथा भी है, स्त्री के अपने पैरों पर खड़ा होने की, स्त्री अस्मिता का भी सवाल इसमें उठाता है उपन्यासकार। इसी के अलावा वयम रक्षामा में राम रावण कथा को आधार बनाया गया है। फिर एक सोमनाथ के नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा जिसमें सोमनाथ के मंदिर के लूटे जाने और उसके पुनर्निर्माण की चर्चा है। तो इस प्रकार ये सोमनाथ मंदिर के बहाने और इन उपन्यासों के बहाने सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे अतीत की ओर ये उपन्यास ले जाते हैं। इसी प्रकार वृंदावन लाल वर्मा लगातार उपन्यास लिख रहे थे और उनका इस आज़ादी के बाद जो चर्चित होने वाला उपन्यास है वो मृगनयनी है, जो बुंदेलखंड की लोक कथा पर आधारित है, लोक को लेकर चलती है। इसी तरह जैनेन्द्र जो अपने आज़ादी से पहले भी उपन्यास लिख रहे थे, उन्होंने भी आज़ादी के बाद भी उपन्यास लिखते रहे और सुखदा, मुक्तिबोध और दशार्क जैसे उपन्यास उनके सामने आए, लेकिन सुनीता और परख में जो ऊंचाई जैनेन्द्र कुमार ने प्राप्त कर ली थी वो ऊंचाई इन उपन्यासों में प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा पीछे से लिख रहे थे और इस दौरान उनके कुछ उपन्यास जो महत्वपूर्ण हुए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सभी नचावत राम गोसाई, इन सभी उपन्यासों में उन्होंने आज़ादी के बाद के भारत के लोकतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच जो गठबंधन होता है उस गठबंधन को दिखाया है। जो राजनीति में जो करवट हमारा देश ले रहा है उसकी भी चर्चा है, कांग्रेस सरकार की चर्चा है, बढ़ते भ्रष्टाचार की चर्चा है और किस तरह से जो योजना के कार्य बन गए हैं ये योजना के कार्य जनता तक नहीं पहुंचते, बीच में ही जो उसके मध्यस्थ हैं, बिचौलिए हैं, वो किस तरह से उसे हड़प लेते हैं और जनता के पास पहुंचने नहीं देते हैं, और कुछ लोग अमीर पर अमीर इन्हीं योजनाओं के बल पर होते जा रहे हैं और कुछ लोग और बाकी दुनिया गरीबी का सामना नहीं कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है। राहुल सांकृत्यायन भी एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो आज़ादी से पहले से लिख रहे थे और उनके उपन्यासों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक चेतना को वाणी मिलती है। इस काल में उन्होंने कई उपन्यास लिखे जैसे दिवोदास और लिखा जिसमें महत्वपूर्ण उपन्यास दिवोदास लिखा जिसमें ऋग्वैदिक काल की चर्चा है और कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विचारधाराएं इसमें शामिल आती हैं और कहना न होगा कि राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक थे, इसीलिए वो समाज को भी उसी तरह आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इस काल में यशपाल ने भी लिखना जारी रखा और उनकी ख्याति जिन उपन्यासों से बनी, झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, इन दोनों ही उपन्यासों में उन्होंने आज़ादी के समय विस्थापन और भारत के विभाजन और उसके बाद जो
विभाजन के बाद जो देश का जिस तरह से विकास हुआ, मध्यवर्ग का जिसका जिस तरह विकास हुआ, मध्यवर्ग के जो अंतर्विरोध सामने आए, उन अंतर्विरोधों को भी उन्होंने अपने उपन्यासों में वाणी दी है। और तेरी मेरी उसकी बात में आज़ादी की लड़ाई की बात की गई, गांधी की प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता की बात की गई। झूठा सच दो भागों में विभक्त है, वतन और देश, और देश का भविष्य। वतन और देश में आज़ादी के पहले और संधि वेला की का चित्रण है, विभाजन का चित्रण है। देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की परिकल्पना की गई। अज्ञेय भी लगातार लिख रहे थे और उनके उपन्यासों में मनोविज्ञान प्रमुख था। शेखर एक जीवनी के बाद उन्होंने दो और उपन्यास लिखे, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इसमें स्त्री पुरुष के संबंध, स्त्री पुरुष के प्रेम और जीवन और मृत्यु का प्रश्न, ये इन उपन्यासों में उभर कर आया है। और जो एक घुटन होती है, जो एक ऊब होती है, जो एक निराशा होती है शहरी जिंदगी में, और बार बार व्यक्ति मृत्यु से साक्षात्कार करता है, आत्महत्याएं करता है, ये महानगर की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि व्यक्ति सब लोगों से घिरे होने के बाद सारी उपलब्धियों के बावजूद, सारे ऐशो आराम के बावजूद वह अकेला पड़ जाता है और वो बराबर मृत्यु से साक्षात्कार करता रहता है और इस प्रकार कभी कभी आत्महत्याएं भी कर लेता है। उपेंद्रनाथ अश्क भी इसके पहले, आज़ादी से पहले से लिख रहे थे, लेकिन उनका एक उपन्यास इस समय बहुत ही चर्चित हुआ, गिरती दीवारें, गर्म राख, और इसमें निम्न वर्गीय व्यक्तियों के संघर्ष की कथा बहुत ही शिद्दत से की गई है। रांगेव राघव इस आज़ाद भारत के एक प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मुर्दों का टीला नाम का एक उपन्यास लिखा और दूसरा एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, कब तक पुकारूं। बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे, लेकिन ये दो उपन्यास दो पृष्ठभूमियों के हैं। मुर्दों का टीला में जहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति की चर्चा की गई है और उसके माध्यम से वर्तमान भी उसमें परिलक्षित होता है, उसी प्रकार कब तक पुकारूं में दलित जीवन का चित्रण हुआ है और बहुत ही बारीकी से उन्होंने इसका चित्रण किया है। इसी प्रकार भैरव प्रसाद गुप्त ने दो उपन्यास प्रमुख रूप से लिखे, सती मैया का चौरा और गंगा मैया, और वो साम्यवादी उपन्यासकार हैं और साम्यवादी सिद्धांत को आरोपित करते हैं अपने उपन्यासों में। इसलिए जब विचार आरोपित किए जाते हैं उपन्यास में तो उपन्यास कमजोर हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में भी विचार की प्रधानता है, यशपाल में भी विचार की प्रधानता है, भैरव प्रसाद गुप्त भी साम्यवादी विचार को लेकर बढ़ते हैं। इसलिए इन लोगों की कृतियाँ वहाँ वहाँ बहुत कमजोर लगने लगती हैं जहाँ जहाँ विचार आदर्श के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद एक प्रमुख रचनाकार नागार्जुन से आप भली भांति परिचित होंगे, उन्होंने जो उपन्यास लिखा रतिनाथ की चाची बलचन्मा और बाबा बटेसरनाथ, और भी कई उपन्यास लिखे, लेकिन बलचन्मा और बटेसरनाथ एक प्रमुख उपन्यास है। और ग्रामीण जीवन की, आज़ाद भारत के बाद की ग्रामीण जीवन की जो कथा है और एक किसान के मजदूर बनने की जो कथा है वो बलचन्मा में आती है। बलचन्मा संघर्ष भी करना चाहता है, वो मजदूर भी बनता है, और इस तरह एक आदर्श नागार्जुन ने भी पेश करने की कोशिश की है। आज़ादी के बाद के सबसे बड़े उपन्यासकार अगर हम माने तो अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में जितना वैविध्य है, जितना विस्तार है, उतना मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद के किसी उपन्यास में होगा। प्रेमचंद में जितना वैविध्य था, आज़ादी के बाद के उपन्यासकारों में यदि एक उपन्यासकार का नाम ले तो वो हैं अमृतलाल नागर, जिन्होंने अपने उपन्यासों में सांस्कृतिक चेतना भी भरी। जैसे वो एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। मानस का हंस में तुलसीदास का जीवन है, नाच्यो खंजन नयन में सूर का वर्णन है, और दूसरी तरफ उन्होंने दलित जीवन पर भी उपन्यास लिखे, नाच्यो बहुत गोपाल,
और भारतीय मध्य वर्ग और उसके जीवन के बारे में, लखनऊ और उसके आसपास के जीवन के बारे में, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, करवट पीढ़ियाँ, तो भारतीय समाज और भारतीय परिवार के बारे में लिखा। सांस्कृतिक संस्कृति और इतिहास को लेकर लिखा और दलित जीवन को भी लेकर उन्होंने उपन्यास लिखा। सबसे महत्वपूर्ण बात नाचियो बहुत गोपाल में यह है कि उन्होंने यह साबित किया कि दलित जो हैं वो जन्मना ही नहीं होते हैं, बल्कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेता है और वो दलित समाज में प्रवेश करता है तो वो भी दलित ही माना जाता है। इसकी पूरी संरचना उसी तरह बनाई गई है और एक दलित महिला जो पहले ब्राह्मणी थी उसके दलित होने के बाद उसके संघर्ष को दिखाया गया है। यदि अमृतलाल नागर के बाद हमें किसी का नाम लेना है जिनके रचनाओं में वैविध्य है तो वह है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने बहुत सारे उपन्यास लिखे लेकिन उनके दो उपन्यास जिसकी चर्चा की जानी चाहिए और जिन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी, एक नई प्रविधि दी और एक नई संरचना दी, वो है परिशिष्ट और पहला गिरमिटिया। परिशिष्ट में जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले दलित विद्यार्थियों की जिंदगी का और सामान्य रूप से दलित जीवन का चित्रण किया है कि कैसे पढ़ने लिखने जा रहे दलित विद्यार्थी शोषण का शिकार होते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, उसी प्रकार पहला गिरमिटिया उपन्यास में उन्होंने गांधी जी के जीवन को केंद्र में रखकर उस समय के पूरे जीवन को उजागर कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह लगता है और गिरिराज किशोर ने जिस तरह से इसे रचा है, जिसे कहते हैं कि बायोपिक जीवनी, वो उस तरह का यह उपन्यास हो गया है और बहुत ही रोचक और प्रसंगानुकूल है यह उपन्यास। इसे इसने जीवनी परक उपन्यास की एक नई धारा शुरू की हिंदी उपन्यास में। भीष्म साहनी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, उनके दो उपन्यास बहुत प्रमुख हैं जिनकी चर्चा बार बार होती है, वो है तमस और मैयादास की माड़ी। तमस में निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक तनाव है, सांप्रदायिक भेदभाव है, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई है। तमस अंधेरा है, सांप्रदायिक अंधेरा है, उसके खिलाफ लगातार भीष्म साहनी अपने पात्रों के माध्यम से लड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, यहाँ पर जो कोई भी शरारत करने की कोशिश करेगा वह अलग कर दिया जाएगा, मुख्य धारा में नहीं रहेगा। मैयादास की माड़ी में एक गांव है और एक विकास का है, परिवर्तन है, ढहता हुआ सामंतवाद है, रूढ़ियां हैं और इनके खिलाफ लगातार भीष्म साहनी इस उपन्यास में लड़ते हुए और जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आज़ादी के बाद हम किसी को प्रेमचंद की विरासत सौंप सकते हैं तो वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। उनके दो उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, मैला आंचल और परती परिकथा। दोनों ही उपन्यासों में अलग अलग ढंग से आज़ादी के बाद के भारतीय ग्रामीण जीवन की चर्चा की गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रेणु के उपन्यास मैला आंचल से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने उपन्यास के की भूमिका में आंचलिकता की चर्चा की थी। लेकिन अगर हम मैला आंचल और परती परिकथा को हम देखें और उसे जांचें और उसका मूल्यांकन करें तो ये राष्ट्रीय रूपक है और फणीश्वरनाथ रेणु ने दिखाया है कि किस प्रकार हमारे गांव जातियों में बटे हुए हैं, किस तरह सामंतवाद ढह रहा है और किस तरह राजनीति जाति के आधार पर खड़ी हो रही है, किस तरह गांधी के विचारों की हत्या हो रही है और बावनदास जो जिसे गांधी का प्रतीक बनाया गया है किस तरह से एक पूंजीपति उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से गांधीवाद समाप्त तो हो जाएगा, पूंजीवाद और लोकतंत्र में गठबंधन हो जाएगा, इसकी घोषणा करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जो आज
बहुत सच्चाई के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद कई कथाकार हमारे सामने आते हैं जो गांव के बारे में लिखते हैं, गांव की सच्चाई के बारे में लिखते हैं। उनमें हैं विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, राम दर्श मिश्र, श्रीलाल शुक्ल और मिथिलेश्वर। ये सभी उपन्यासकार अपने अपने ढंग से जो भारत के गांव हैं उन गांवों की चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनका दृष्टिकोण अलग अलग है देखने का, लेकिन चिंता एक ही है कि गांव का विकास कैसे हो। और जिस तरह से श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी की रचना की, वैसा उपन्यास न हिंदी में पहले लिखा गया न बाद में लिखा गया, व्यंग शैली में ये पूरा का पूरा उपन्यास है। और किस तरह से गांव बिखर रहे हैं और किस तरह से बहुत बड़ा कैनवास ले लिया है कि गांव बिखर भी रहे हैं, और जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, जो हमने एक सपना देखा था शिक्षा का, जो सपना देखा था न्याय का, वो सारे सपने टूट रहे हैं। और राग दरबारी चारों तरफ ये बज रहा है और लोग दरबारी होते जा रहे हैं। इसी तरह राही मासूम रजा ने आधा गांव लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि किस तरह से ये जो गांव हैं वो गांव अलग हो रहे हैं। ये कट्टरपंथियों से जूझती हुई एक कहानी है और भारत भूमि की कहानी है, क्योंकि भारत विभाजन भी इसमें है, टूटता हुआ गांव भी है और विस्थापन भी है। तो सब मिलाकर एक व्यापक पैमाने पर व्यापकता लिए हुए है ये उपन्यास। रामदर्श मिश्र ने गांव में जो बाढ़ की स्थिति होती है उसका भी चित्रण किया है, और उसके अलावा गांव से विस्थापित होकर जब शहर में हम बस जाते हैं तो किस तरह गांव की याद आती है और दूसरा घर हम बसाते हैं, अपने लोगों को छोड़कर अपने लोगों के बीच रहने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज रामदर्श मिश्र ने खंगाला है अपने उपन्यासों में। शिव प्रसाद सिंह ने अलग अलग वैतरणी में गांवों का चित्रण किया है, लेकिन गली आगे मुड़ती है में काशी का चित्रण है, नीला चांद में इतिहास और पुराण है। इस तरह शिव प्रसाद मिश्र भी इतिहास की गलियों में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस दौरान कमलेश्वर ने कुछ उपन्यास लिखे, लेकिन उनके उपन्यास फिल्म के पटकथा के अनुरूप ज़्यादा प्रतीत होते हैं, इसलिए उनके उपन्यासों पर काफ़ी फिल्में बनाई गई। इसमें से एक काली आंधी उपन्यास का हम जिक्र कर सकते हैं, जिसके आधार पर आंधी पिक्चर फिल्म बनाई गई थी। लेकिन एक बड़ा उपन्यास बाद में कमलेश्वर में लिखा, कितने पाकिस्तान, और इसमें आज़ादी के बाद जो भारत में जो सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ते रहते हैं और उसके जड़ों की पड़ताल की है कमलेश्वर ने, यह एक बड़ा उपन्यास। अगर हम दलित विमर्श की चर्चा करें तो आज़ादी के बाद दलित विमर्श पर लिखने वाले सबसे प्रमुख उपन्यासकार हैं शैलेश मटियानी। वे खुद भी दलितों की बस्ती में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, मुंबई के धारावी जैसे इलाकों में रहते थे, और इसीलिए बोरीवली से बोरीबंदर नामक एक उपन्यास उन्होंने लिखा, सर्पगंधा, कोई अजनबी नहीं, ये सारे दलित जीवन और पहाड़ी जीवन से जुड़े हुए उपन्यास हैं। इसके अलावा मोहन राकेश ने कई उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख हैं अंधेरे, बंद कमरे, न आने वाला कल, और इन दोनों ही उपन्यासों में शहरी जीवन है, शहरी जीवन में दाम्पत्य है, अकेलापन है, बिल्कुल दुखद अनुभव है, संबंधों के टूटने की पीड़ा है, पति पत्नी का संबंध है, स्त्री पुरुष के बीच तनाव है, और दाम्पत्य जीवन और प्रेम के अलग अलग रूप जो पीड़ा देते हैं और जीवन में उलझन भरते हैं, स्त्रियों की अपनी अस्मिता का सवाल भी आता है, उस पर मोहन राकेश ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। इस समय एक उपन्यास आया, दो उपन्यास आए, 55 खंभे, लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका। ये पहली बार पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला के जीवन के द्वंद्व पर लिखा गया
उपन्यास है। इसी प्रकार चंद किरण सोनरक्षा ने भी चंदन चांदनी वंचिता जैसे उपन्यास लिखे, जिसमें आधुनिक पढ़ी लिखी लड़कियों के दोहरे अभिशाप और दोहरे शोषण की चर्चा की गई है। ऑफिस में और दफ्तरों में तो वो पिसती ही हैं, घरों में भी पिसती हैं। तो महिलाओं, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली महिलाओं की अंतर कथा इसमें कही गई। इस आज़ादी के बाद स्त्री कथाकारों की संख्या में काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ और कृष्णा सोबती से लेकर अल्पना मिश्र और अनामिका और गीतांजलि, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, सारे उपन्यासकारों ने अपने अपने ढंग से उपन्यास में स्त्रियों की चेतना की अभिव्यक्ति की। कृष्णा सोबती ने जहाँ ऐ लड़की और मित्र मरजानी में और जिंदगी नामा में भी स्त्री जीवन को अपने हिसाब से रखा है, एक विमर्श है, सवाल है, बहस है स्त्री के जीवन के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा उपन्यास जो लिखा गया वह है मनु भंडारी का आपका बंटी। आपका बंटी एक बच्चे के अवलोकन बिंदु से लिखा गया है, लेकिन इसमें जो पढ़ी लिखी स्त्री है उसकी अपनी चेतना और उसके अपने निर्णय लेने की जो भूमिका है समाज में उसका चित्रण किया गया है। और ये हिंदी उपन्यास में एक बिल्कुल अपने तरह का, विचारों की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी, संरचना की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ममता कालिया और मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में स्त्री शुचिता और स्त्री संगीता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कौमार्य पति के साथ केवल यौन संबंध रखना आदि जो नारी संहिता है उस नारी संहिता के खिलाफ विमर्श प्रस्तुत किया है, प्रश्न खड़े किए हैं। और मृदुला गर्ग ने भी अपने उपन्यास चितकोबरा और कठगुलाब में यही सारी बातें उठाई हैं। गिरीश अस्थाना ने धूप छाई रंग में युद्ध का वर्णन किया है, और युद्ध का अगर चित्रण देखना है तो इससे बढ़िया उपन्यास आज़ादी के बाद या पूरे हिंदी उपन्यास में देखने को नहीं मिलता है। अमरकांत ने 1942 के आंदोलन को आधार बनाकर इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखा, और यह अमरकांत का एक बड़ा और बढ़िया उपन्यास है। इसी प्रकार बदीउज्जुमा ने एक संरचनात्मक परिवर्तन करते हुए एक चूहे की मौत और छाकों की वापसी जैसा उपन्यास लिखा। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने भी प्रयोग किए और मुर्दाघर नामक उपन्यास लिखा। और इस प्रकार लगातार संरचना में और निम्न मध्य वर्ग के बारे में हमारे उपन्यासकार लिखते चले आ रहे हैं। दलित जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, स्त्री जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस युग के आरंभ में, आज़ादी के बाद के पहले दूसरे दशक में, हजार प्रसाद द्विवेदी एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में उभर कर आते हैं और एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना से संपृक्त होकर उपन्यास लिखते हैं, चाहे वह उनकी वान भट्ट की आत्मकथा हो, चाहे चारुचंद्र लेख हो, पुनर्नवा हो, अनामदास का पोथा हो। इसमें लगातार वे एक राष्ट्र की खोज करते दिखाई देते हैं, उनमें एक इतिहास बोध दिखाई पड़ता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है, लोक संस्कृति के प्रति झुकाव दिखाई पड़ता है, यानी अपनी मिट्टी की तलाश वो करते हैं अपने सांस्कृतिक विचरण के संचरण के द्वारा। इसी प्रकार एक उपन्यासकार हैं इकबाल बहादुर देवसरी, उन्होंने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, और नालंदा, ओरछा की नर्तकी और मस्तानी में उन्होंने लोक कथाओं में से कहानी निकाली है और उपन्यास लिखा है। इसी प्रकार नरेंद्र कोहली ने राम कथा और महाभारत को लेकर दो बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं, अभ्युदय और महासमर के नाम से। ये बहुत लोकप्रिय हुए। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यासों में नरेंद्र कोहली के ये दो उपन्यास है, और उन्होंने राम कथा को और महाभारत को अपनी दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से उसको व्याख्यायित किया है, लेकिन कथा की मर्यादा को
ध्यान में रखते हुए कथा की मर्यादा को उन्होंने नहीं तोड़ा है, मिथकों को नहीं तोड़ा है, हाँ उसे आधिक स्वरूप देने का अवश्य प्रयास किया है। इसी प्रकार एक प्रमुख रचनाकार हैं कमलाकांत त्रिपाठी, जो 1857 और उसके बाद के की स्थिति को, की घटना को अपने उपन्यास का विषय बनाते हैं। पाई घर उनका एक प्रमुख उपन्यास। आज़ादी के बाद के उपन्यासों में निर्मल वर्मा का नाम अगर हमने न ले तो उपन्यास की यात्रा अधूरी रह जाएगी। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा रात का रिपोर्टर, और ये आपातकाल के स्थिति के रात की चर्चा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपातकाल पर लिखी गई ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी पृष्ठभूमि में भी उपन्यास लिखे, लेकिन उनके उपन्यासों का जो मूल जो परिवेश है वो अवसाद का है, निराशा का है, अलगावबोध का है, संतरास का है और मन के अंधकार का है। ये शहर में रहने वाले और शहरी जीवन बिताने वाले अधिकांश लेखकों की यही नियति है, चाहे वो मोहन राकेश हो या निर्मल वर्मा। आज़ादी के बाद मुस्लिम जीवन को लेकर भी अनेक उपन्यासकार सामने आए, शानी, राही मासूम रजा, मंजूर एहतशाम। और चाहे वो मंजूर एहतशाम का सूखा बरगद हो, या राही मासूम रजा का आधा गांव हो, या शानी का काला जल हो, इन सभी उपन्यासों की ये विशेषता है कि इसमें मुसलमानों की के लगातार जो मुख्य धारा है उसे कटते जाने की खोज की गई है, और इस बात का की वकालत की गई है कि हर एक मुसलमान को भारतीयता में से ओतप्रोत होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए और कभी भी कट्टरपंथ का सहारा नहीं लेना चाहिए, अलगाव और विलगाव का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक बार इसी आधार पर भारत का विभाजन हो गया, लेकिन जो लोग भारत में रह गए वे भारत के हैं और भारत को भारत के संविधान के अनुसार देखें, न कि धर्म के आधार पर। तो ये बड़ी बातें सूखा बरगद में, आधा गांव में और कालाजन में कही गई। इसी प्रकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने झीनी झीनी बीनी चदरिया लिखी, और उन्होंने भी भारतीय परिवेश में जो जुलाहे हैं उनकी ज़िंदगी का वर्णन किया। असगर वजाहत का साथ आसमान पढ़ लीजिए, उसमें भी राष्ट्रीयता की बात की गई है, उसमें भी भारतीय मुसलमान की पहचान की और भारतीय मुसलमान के अस्मिता की बात की गई। गोविंद मिश्र इस युग के प्रमुख कथाकार हैं, और वो बुंदेलखंड के जीवन पर भी उपन्यास लिखा है, भारतीय लोकतंत्र पर भी और मध्यवर्गीय जीवन पर भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार और पांच आंगनों वाला घर उनका एक प्रमुख उपन्यास का। जैसा कि मैंने कहा, दलित जीवन पर इस समय जो उपन्यास लिखे गए उसमें मैंने बता दिया था, परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास, नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, नरक कुंड में वास जगदीश चंद्र, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र, किस्सा गुलाम रमेश चंद्र। और इन सभी उपन्यासों में दलित जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, और दलितों की जो स्थिति है उन स्थितियों का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार किसानों और मजदूरों की बात करते हैं, संजीव, सावधान नीचे आग है मजदूरों की कथा है, जंगल यहाँ से शुरू होता है, भगवान दास मोरवाल हैं, शिव मूर्ति हैं, ये सब मजदूर वर्ग की और गांवों और देहातों की कथा कहते हैं। शिव मूर्ति का उपन्यास तर्पण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नए शिल्प में उपन्यासकार उपन्यास लिखने की चेष्टा कर रहे थे उनमें विनोद कुमार शुक्ल का नाम बहुत प्रमुख है। नौकर की कमीज, फिर खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक लड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल वस्तुतः मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय वर्ग के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली में बड़ा ही अनूठापन है, बड़ी पहेली है। कहते हैं कि ये उत्तर आधुनिक उपन्यास है, दीवार में खिड़की रहती थी, और इसमें जिस तरह से मध्यवर्ग का वर्णन किया गया है वह
बहुत ही महत्वपूर्ण है अलग ढंग से। इसी प्रकार अलका सरावगी ने भी अलग ढंग से मध्यवर्गीय जीवन की चर्चा की है और नया शिल्प विकसित किया है। मनोहर श्याम जोशी, शिल्प की दृष्टि से इनके उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कसप, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, ये भी मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग की कथा कहते हैं, लेकिन अपने ढंग से, अपनी शैली से, संरचना और शैली की दृष्टि से उनके उपन्यास जरूर नयापन लेकर आते हैं, लेकिन जो वर्णन है वर्णन न के बराबर होता है, बल्कि जो भी उलट पुलट इस उपन्यास में है, जो नयापन दिखाई पड़ता है वो शिल्प और संरचना में ही। इसी प्रकार सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए में भी नया शिल्प लेकर आए हैं और एक फैंटेसी में लिखी गई है कथा, महत्वाकांक्षा से युक्त एक स्त्री की कथा इस उपन्यास में आई। प्रियंवद ने परछाई नाच लिखा, रविंद्र कालिया ने 17 रानाडे रोड लिखा और इस प्रकार उपन्यास लगातार अपनी संरचना में और अपने विषय में परिवर्तन करते आ रहे हैं। रणेंद्र ने ग्लोबल गांव का देवता लिखा, आसमान.com विमल कुमार, आदिग्राम उपाख्यान कुणाल सिंह, मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ, ये वो शहर तो नहीं पंकज सुबीर, इन सारे उपन्यासों में बार बार जो बाजार है, जो आधुनिकता है और उत्तर आधुनिकता है, किस तरह से उपन्यासकार इससे मुठभेड़ करता है उसे हम देख सकते हैं इन उपन्यासों को पढ़कर। इसके अलावा दूधना सिंह ने आखिरी कलाम लिखा, कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान, बादशाह हुसैन रिजवी ने मैं मुजाहिद नहीं हूँ, इसमें मुस्लिम जीवन को नए नज़रिए से और देखने की कोशिश की गई। राजू शर्मा विसर्जन लिखते हैं, प्रमोद कुमारी तिवारी उफ लिखते हैं और दोनों में ही किस तरह से भारत आज़ादी के बाद भारत के लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र किस तरह उपहास और किस तरह खोखला होता जा रहा है, किस तरह नौकरशाह और राजनेता के बीच में जो गठबंधन है उससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसकी चर्चा इसमें की गई है। निर्वासन अखिलेश का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें एक व्यक्ति जो विदेश में रहता है अपने जड़ों की खोज करने के लिए भारत आता है। इसी दौरान कुछ ऐसे भी उपन्यास लिखे गए जो थर्ड जेंडर पर उपन्यास लिखे गए, किन्नर कथा, नाला सोपारा, चित्रा मुद्गल, यमदीप, नीरजा माधव, गुलाम मंडी, निर्मला भुरालिया और किन्नर कथा महेंद्र भीष्म और नारा सोपारा चित्रा मुद्गल, इन सभी उपन्यासों में एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, एक बहुत यथार्थपरक ढंग से थर्ड जेंडर के यथार्थ को सामने रखा है और उन्हें मनुष्य के रूप में देखने और दिखाने की कोशिश की है। नए उपन्यासकारों में ज्ञान प्रकाश विवेक, इंदिरा डांगी और भी कई उपन्यासकार हैं जो लगातार ये उपन्यास लिख रहे हैं, उमाशंकर चौधरी, ये जो उपन्यास लिख रहे हैं उन उपन्यास में आख्यान लौट रहा है, आख्यान वापस आ रहा है, कहानी वापस लौट रही है। बीच में ऐसा लगा था कि कहानी लुप्त हो रही है लेकिन आख्यान वापस आ रहा है। बड़ी बड़ी कथाएं लिखने की परंपरा शुरू हो रही है और वर्णन कहानियों में बहुत आ रहा है। बाजार से टकराने की जो गुजारिश है, बाजार से टकराने का जो द्वंद्व है वो इन कहानियों के शीर्षक से ही पता चलता है। आदिग्राम उपाख्यान, मुन्नी मोबाइल, आसमान.com। तो इस तरह से 21वीं सदी तक आते आते उपन्यास ने अनेक करवट ले ली। हमने आरंभ किया था देवरानी जेठानी की कहानी से और पहुंच गए नाला सोपारा तक। तो इस तरह जो हिंदी उपन्यास की जो यात्रा हुई उस यात्रा में उपन्यास विमर्श से भी टकराया, उपन्यास अपने यथार्थ से भी टकराया
उपन्यास अपनी समस्याओं से भी टकराया और जीवन के जो विविध प्रसंग हैं उन प्रसंगों को अलग अलग ढंग से अलग अलग नज़रिए से उपन्यासकारों ने पेश करने की कोशिश की। उपन्यास लिखना अभी तक जारी है, लगातार उपन्यास लिखे जा रहे हैं और 21वीं सदी में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो आख्यान की ओर वापस लौटने का प्रयत्न है और दुनिया को देखने की और बाजार को देखने की और नए यथार्थ को नए ढंग से देखने के लिए नया शिल्प गढ़ा जा रहा है, नई संरचना विकसित की जा रही है और जो जीवन जो लगातार करवट ले रहा है उस जीवन करवट लेते हुए जीवन को देखने के लिए नई दृष्टियां विकसित की जा रही। तो आज उपन्यास के विकास की ये श्रृंखला यहीं मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला देखकर हिंदी उपन्यास के विकास की एक झलक मिल जाएगी और आप अपने ज्ञान के लिए, आप अपने विकास के लिए या अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे विषय के साथ। नमस्कार।